नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। आपको खबर शुरू करने से पहले बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में बीते 4 दिनों से फीडबैक कार्यक्रम चल रहा है। इस फीडबैक में एक बार फिर गुटबाजी और बयानबाजी का नज़ारा देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लेकर उनके क्षेत्रों की स्थिति जानना चाहती है, लेकिन यहाँ पर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी का नज़ारा देखने को मिल ही गया। दरअसल 17 से 20 अप्रैल को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के सभी संभागों के विधायकों से 1-to-1 कर रहे हैं। 20 अप्रैल को इसे फीडबैक कार्यक्रम में जयपुर संभाग का फीडबैक का अंतिम दिन था। इस दौरान दौसा से विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री मुरारी लाल मीणा पहुंचे और उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि अभी तक मानेसर वाली घटना भूले नहीं क्या, मानेसर जाकर हमने क्या कर दिया, हाईकमान से मिलने गए थे, मिलकर अपनी बात रखी और लौट आए, इसके बाद तो हम मंत्री बन गए और आपके सामने खड़ा हूं। अब मानेसर जैसी चर्चा छोड़कर चुनाव जीतने के सारे समीकरण देखने चाहिए। इसके साथ ही मीणा ने अपनी पार्टी को सही निर्णय लेने की भी हिदायत दे दी। कहा कि कांग्रेस पार्टी हारने वाले उम्मीदवारों के टिकट काटने में कंजूसी करती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब फीडबैक कार्यक्रम का पहला दिन था, यानी कि 17 अप्रैल, उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पायलट समर्थक विधायक हरीश मीणा के बारे में उनके ही सामने प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा से ये जिक्र किया था कि ये मानेसर जाने वालों में से हैं। इस पर हरीश मीणा ने भी डोटासरा पर पलटवार करते हुए इसे गलत बताया। अब मुरारी लाल मीणा ने भी खुलकर मानेसर पर बयान देकर उस विवाद को ताज़ा कर दिया है। आपको पता नहीं हो तो हम बता दें कि मानेसर की घटना क्या थी और क्यों मानेसर का इतना जिक्र हो रहा है। दरअसल जुलाई 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थक वाले 24 विधायकों के साथ हरियाणा में मानेसर के एक रिसोर्ट में चले गए थे। उस दौरान पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ बागी रुख अपनाया था। हालांकि सभी विधायक वापस राजस्थान लौट आए, लेकिन उस दौरान राजस्थान में सियासी बवाल मच गया था और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हाथ धोना पड़ा। गहलोत ने उन पर काफ़ी आरोप लगाए और पार्टी को गिराने के भी आरोप लगा दिए। अब कुछ ही महीनों बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और मानेसर के मुद्दे की चर्चा विधायकों में हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि आने वाले चुनाव में भी पायलट गहलोत गुट में बयानबाजी देखने को मिल सकती है। नमस्कार।